हेलो एवरीवन, सो फ्रेंड्स वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। सो आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मेनली 4th ऑफ जनवरी और 5th ऑफ जनवरी के अभी तक के जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ और अपडेट्स हैं उनको। और आपको पता होगा कि हम इसी तरीके से आपके साथ ये डेली ये करंट अफेयर्स का शो लेके आते हैं, तो आप इन वीडियोज़ को तो देखा ही करें। अपार्ट फ्रॉम इट, आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट से भी रिलेटेड वीडियोज़ लगातार बेसिस पर मिलती रहेंगी, जो कि आपके आने वाले कम्पिटेटिव एग्जाम्स, चाहे मैं बात करूँ बैंकिंग, SSC और रेलवे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप उन्हें जरूर देखा करें। और इसके लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन को। तो आप क्या आपने क्या करना है, जितने भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होते हैं उन्हें साइड बाय साइड नोट डाउन भी करते चलना है, क्योंकि आपको पता है किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन आता है उसमें आपको काफी सारे क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर के पोर्शन में से देखने को मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि 2 महीने 3 महीने पुराने हो, 6 से 9 महीने तक के पुराने आपको करंट अफेयर से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो हमारा इनिशिएटिव यही है कि आप मैक्सिमम स्कोर करें एग्जाम में, इसीलिए हम आपके साथ डेली ये करंट अफेयर्स का शो लेके आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पहला आज का हमारा अपडेट है, पीएम मोदी डेडिकेटेड कोची मंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन टू द नेशन। तो आज पीएम मोदी ने इसे डेडिकेट किया है, कोची मंगलुरु के बीच में नेचुरल गैस पाइपलाइन को। सो इस पर बात कर लेते हैं। सो पीएम मोदी डेडिकेटेड द कोची मंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन टू द नेशन टुडे वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आपको पता है जितने भी आज के टाइम पर इवेंट्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसिस होते हैं, समिट्स होते हैं, वो सारे इसी तरीके से वर्चुअल फॉर्म में ही हो रहे हैं। अगर बात करें इसी पर्टिकुलर पाइपलाइन प्रोजेक्ट के बारे में, तो इट इज एन इम्पोर्टेंट माइलस्टोन टुवार्ड्स द क्रिएशन ऑफ वन नेशन वन गैस ग्रिड। जहां तक इसके टारगेट की अगर बात करें वन नेशन वन गैस ग्रिड के, तो ये काफी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन की तरह है। ये कोची मंगलुरु के बीच में जो नेचुरल गैस पाइपलाइन को आज इनॉग्रेट किया गया है, ये 450 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है जिसे बिल्ड किया है गेल ने, ठीक है। और इट हैज़ ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी ऑफ 12 मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स पर डे। जहाँ तक इसके ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी की बात है, तो काफ़ी ज़्यादा बड़े अमाउंट में जो है 12 मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स पर डे जो है ये इसकी ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी है। और जहाँ तक इस प्रोजेक्ट के कॉस्ट की अगर बात करें, तो इट वॉज अबाउट 3000 करोड़ रुपीज़, और इससे अराउंड जो है 12 लाख मैनडेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ, ठीक है। तो 12 लाख मैनडेज का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, और साथ ही साथ जहाँ तक इसके प्रोजेक्ट के कॉस्ट की बात है, तो 3000 करोड़ रुपीज की इन्वेस्टमेंट थी इसमें। और ये बेसिकली जो है ये सप्लाई करेगा एनवायरमेंट फ्रेंडली और अफोर्डेबल जो फ्यूल है इन द फॉर्म ऑफ पाइप नेचुरल गैस। आपको पता है PNG जो कि घरों में यूज होता है, और CNG जो कि आपको पता है CNG पर बेस्ड व्हीकल्स चलते हैं, जैसे आपने CNG के देखे होंगे जो कार वगैरह होती है, कार बसेस वो CNG पे चलने वाले। तो ये दो तरीके की, तो PNG जो घरों में यूज होता है और CNG जो कि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में यूज होता है, इन दोनों को ही जो है ये पाइपलाइन जो है बेसिकली इसे ट्रांसपोर्ट करेगी, इन दोनों ही PNG और CNG, ठीक है, गैसेस को। तो इसे आप नोट डाउन कर लें। आगे अगर बात करें तो उद्योग मंथन जो है उसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 4 जनवरी यानी कल से लेके मार्च 2 तक, ठीक है, यानी जनवरी 4th, आज आपको जनवरी 5th है, तो जनवरी 4th से लेके मार्च 2nd तक तो जो है ये उद्योग मंथन को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और कौन इसे ऑर्गेनाइज कर रहा है, बेसिकली डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है, जिसे हम DPIIT भी कहते हैं। तो वो इसे ऑर्गेनाइज कर रहा है उद्योग मंथन को, जो कि एक मैराथन फोकस्ड सेक्टर स्पेसिफिक वेबिनार्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे इसके अंदर, टू बेसिकली प्रमोट क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी इन इंडियन इंडस्ट्री। तो जो भारत का जो उद्योग जगत है, इंडियन इंडस्ट्री सेक्टर है, उसको बेसिकली सेक्टर स्पेसिफिक यहाँ पे वेबिनार्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे बेसिकली क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। और खुद जो है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर जो है प्रेजेंट पीयूष गोयल, वो कल इस सेशन को चेयर करेंगे, एड्रेस करेंगे। और इसमें बेसिकली 45 सेशंस रहेंगे ओवरऑल 4 जनवरी से लेकर मार्च 2 तक के बीच में, जो कि कवर करेंगे वेरियस मेजर सेक्टर्स इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। और जो हर एक वेबिनार जो है वो 2 घंटे का अराउंड रहेगा, जिसमें डिस्कशन की जाएगी लेड बाय सेक्टोरल एंड इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स इन अ पर्टिकुलर सेक्टर, किस तरीके से हम अपनी प्रोडक्टिविटी को और एनहेंस कर सकते हैं। जितने भी सेक्टर्स हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना, जो हमारी इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, और जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो होंगे, इट विल इंक्लूड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम इंडस्ट्री टेस्टिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन बॉडीज, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 4 जनवरी से लेकर 2 मार्च तक, ये मंडे टू फ्राइडे डेली शाम को 4 से लेकर 6 बजे तक, और सैटरडे को 11 बजे से लेकर 1 बजे तक ये वेबिनार्स को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। आगे अगर आपको बात करें तो यूके के जो पीएम है बोरिस जॉनसन, उन्होंने न्यू नेशनल लॉकडाउन अनाउंस किया है पर्टिकुलरली इंग्लैंड के अंदर। आपको पता है वहाँ पे जो नया कोरोना वायरस कोविड का जो वेरिएंट सामने आया था, जो कि और ज़्यादा कंटेजियस है, यानी बहुत तेजी से जो स्प्रेड होने वाला है, उस
को ध्यान में रखते हुए जो है दोबारा से लॉकडाउन लगाया गया, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन इंग्लैंड के अंदर पर्टिकुलरली। और पीएम जो है वहाँ के बोरिस जॉनसन, उन्होंने एडवाइस किया है सभी लोगों से कि वो घर में रहे, क्योंकि देखिए जहाँ तक इस नए वेरिएंट की बात करें तो एक तो ये अब यूके के अलावा भी कुछ कंट्रीज में स्प्रेड हो चुका है, इंडिया में भी काफ़ी सारे केसेस अब तक सामने आए हैं और ये बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, सो रोबे से बात है, आपको पता है वैक्सीन को हर एक तक पहुंचाने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो तब तक अगर देखिए सभी लोग इससे इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो ओबे से बात है फिर वैक्सीन का इतना ज़्यादा यूटिलाइजेशन भी नहीं होगा अगर इतनी तेज़ी से अगर ये वायरस आगे तक और स्प्रेड होता है तो। और इस लॉकडाउन के अंदर जितने भी नॉन असेंशियल शॉप्स है, प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स है, वो बंद रहेंगे। और ये अनाउंसमेंट तब किया वहाँ के पीएम ने जब कुछ टाइम पहले ही जो है वहाँ की गवर्नमेंट ने जो है पहला देश बन चुका है जिसने जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है और जो वहाँ का एस्ट्राजेनेका कंपनी है उन्होंने जो है वैक्सीन को रोल आउट भी कर दिया है अगेंस्ट कोविड-19। बट स्टिल मैंने आपको बताया कि वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन में भी काफ़ी टाइम लगेगा, और खासकर पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूँ इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, वो तो अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है सभी तक वैक्सीन पहुँचाना। लेकिन यूके में भी जो है तो भी देखिए अभी इसमें काफ़ी टाइम लगेगा इनकी मैन्युफैक्चरिंग में और इनको हर एक तक पहुंचाने में, तो इसीलिए जो है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने लॉकडाउन इम्पोज किया है, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन खासकर इंग्लैंड के अंदर, क्योंकि जो नया वेरिएंट सामने आया वो बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है। और इंडिया में मैंने आपको बताया कुछ केसेस सामने आए भी हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है हमारे एस जयशंकर, वो 3 दिन के दौरे पर है श्रीलंका के, आज से ही जो है जा रहे हैं। सो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर विल बिगिन हिज 3 डे विजिट टू श्रीलंका टुडे, जहाँ पे वो देखिए जितने भी श्रीलंका के टॉप लीडरशिप है उनके साथ मीटिंग्स को होल्ड करेंगे, एंड ही विल डिस्कस इश्यूज ऑफ म्यूचुअल एंड बायलेटरल इंटरेस्ट। जहाँ पे देखिए कुछ जो इंडियन फिशरमैन है, क्योंकि आपको पता है भारत और श्रीलंका के बीच में जो बेसिकली जो समुंदर है जो सी सेपरेट करता है, तो वहाँ पे काफ़ी सारे जो फिशरमैन जाते हैं तो कई बार क्या होता है अनइंटेंशनली जो है वो कई बार वहाँ की बाउंड्री को क्रॉस कर जाते हैं, और फिर जब उन्हें वहाँ पे डिटेन कर लिया जाता है, अरेस्ट किया कर लिया जाता है, तो उनकी वापस से रिलीज करने के लिए उन्हें वापस भारत भेजा जाए, इसके लिए भी वो बात करेंगे मोस्ट प्रोबेबली। और जो कोलंबो पोर्ट का जो प्रोजेक्ट है जो काफ़ी टाइम से रुका हुआ है, उनको एक बार दोबारा से शुरू किया जाए उसको लेकर भी हो सकता है वहाँ पे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बात करें। जो भी देखिए इसमें से अपडेट्स निकल के आएगा वो मैं जरूर आपके साथ कोशिश करूँगा डिस्कस करूँगा, और अगर कोई एमओयू साइन होता है तो। और ये जो इनका दौरा है बेसिकली कोविड पेंडेमिक के दौरान ऑर्गेनाइज किया गया है, तो इसीलिए जो बायो बबल एग्रीमेंट है उसको ध्यान में रखते ही जो है इनकी विजिट ऑर्गेनाइज की गई है वहाँ पे, और जो कि 7 जनवरी को कंक्लूड होगी। या और इसके इसी बीच जो है वो जितने भी वहाँ के टॉप लीडरशिप है, जैसे मैंने बताया वहाँ के प्रेसिडेंट जो है गोटाबाया राजपक्षा, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर महिंद्रा राजपक्षा, और फॉरेन मिनिस्टर जो है दिनेश गुनावर्देना, इन सभी से वो मिलेंगे। और मैंने आपको बताया एक तो कोलंबो पोर्ट प्रोजेक्ट जो है वो जो रुका हुआ है उसको एक बार दोबारा से शुरू किया जाए, और जो खासकर इंडियन फिशरमैन है जो वहाँ गलती से जो अरेस्ट जिन्हें किया गया उन्हें वापस से भारत भेजने की बात भी वो वहाँ पे रखेंगे। ठीक है, और आखिरी में आज का हमारा है अपडेट, अर्जेंटीना के जो फिल्म मेकर है पेब्लो सीजर, वो देखिए हेड करेंगे, उन्हें चेयरमैन बनाया गया है 51st IIFFI यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का इंटरनेशनल ज्यूरी का हेड या चेयरमैन, इसे भी नोट डाउन कर लें। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट फिल्म फेस्टिवल है एशिया का जो कि हर साल जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है इंडिया के अंदर, तो इस पर बात कर लेते हैं। सो द इंटरनेशनल ज्यूरी फॉर 51st एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो है उसे अनाउंस किया गया विद एमिनेंट फिल्म मेकर्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। तो जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा कि जो ज्यूरी है उसके अंदर एक तो पेब्लो सीजर जो अर्जेंटीना के उन्हें चेयरमैन बनाए गए, इसके अलावा प्रसन्ना विथनेज श्रीलंका के, अबू बकर शौकी ये ऑस्ट्रिया के हैं, प्रियदर्शन ये इंडिया के, आपने इनका नाम भी सुना होगा, उन्होंने काफ़ी सारी कॉमेडी फिल्म्स भी बनाई हुई हैं, और रुबियत हुसैन ये बांग्लादेश से है। तो इन सबको जो है उस पैनल के अंदर इंक्लूड किया गया, और जिसके चेयरमैन कौन है या उसे हेड कौन करेंगे, अर्जेंटीना के पेब्लो सीजर। जहाँ तक देखिए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की बात है, इसे 1952 में फाउंड किया गया था, तब से जो है इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, एशिया का बहुत हम कह सकते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट फिल्म फेस्टिवल में से एक है, और इस बार ये गोवा में होने जा रहा है। ठीक है, तो इसे आप नोट डाउन कर लें सभी डिटेल्स को। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स, अगर आपको कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट ज़रूर विजिट करें जो कि है takshilalearning.com, जहाँ पर अगर आप बैंकिंग SSC रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कोर्सेज मिल जाएंगे 6 मंथ्स 12 मंथ्स ड्यूरेशन के, जिसमें आपको पूरा कोर्स रिकॉर्डेड तो मिलेगा, इसके अलावा लाइव क्लासेस भी है, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, 1-to-1 फैकल्टी सपोर्ट, व्हाट्सएप के थ्रू, ये सब आपको इसके अंदर मिलेगा, ज़रूर विजिट करें।
और हमारे इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अलॉट।